शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। राजधानी रांची में दिन दहाड़े एक व्यक्ति से 1,67,000 रुपए की लूट हुई है। शहर के नामकुम थाना क्षेत्र के रामपुर धर्म कांटा के पास अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने छिनतई की घटना को अंजाम दिया है। बदमाश एक व्यक्ति से पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो गया। बैग में 1,67,000 रुपए रखे हुए थे। और चलिए इस पूरे खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी कुंदन फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। कुंदन, छिनतई की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, 1,67,000 रुपए की लूट हुई है। कहां पर ये लूट हुई है, किस वक्त की लूट हुई और अब क्या अपडेट मिल पा रही है? जी हाँ बिल्कुल राकेश, जिस तरीके से दिन दहाड़े बदमाशों ने 1,67,000 रुपए से भरा हुआ बैग जो है छीनकर और फरार हो गए, ये नामकुम थाना क्षेत्र में ये पूरी घटना घटी है। और उसके बाद जो है फिर जो है स्थानीय थाने में इस संदर्भ में जो है अपना लिखित शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस जो है इस पूरे प्रकरण में जांच में जुट गई है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी भी आरंभ हो गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पुलिस जो है आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं या फिर फोन सर्विलांस है उसकी मदद से जो है बदमाशों तक पहुंचने की जो है एक कवायद कर रही है। अब देखना यह होगा कि कब ये अपराधी जो है कब पकड़ में आते हैं, लेकिन फिलहाल जो है घटना घटी हुई है और इस पूरे प्रकरण में जो है पुलिस अपना अग्रेतर कार्रवाई भी कर रही है। जी, कुंदन, पीड़ित व्यक्ति से बात हो पाई है, उन्होंने क्या बयान दिया है, कितने रुपए रखे थे उनके पास बैग में और क्या उन्होंने कोई पहचान की है जो अपराधी उनसे बैग लेकर फरार हुए हैं? पीड़ित की अगर हम माने तो उन्होंने कहा कि 1,67,000 रुपया जो है हम बैंक से निकालकर और चले थे, तभी जो है ये किसी कारण से जो है ये निकाला गया था। उनके पास कुछ प्रॉब्लम थी जिसको लेकर जो है वो बैंक से निकालकर और घर जा रहे थे, उसी दरमियान जो है ये घटना घटित हुई है। हालांकि अगर हम बात करें तो नामकुम थाना जो है जब से सूचना मिली थी उसके बाद से जो है इस पूरे प्रकरण में जो है छानबीन और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जो है लग गई है। जी बिल्कुल कुंदन, ये रांची में बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया, पुलिस की बड़ी चुनौती होगी कि कैसे अपराधी को गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहे, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।